हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक हेयर मास्क शेयर करूँगी, जो है कि वो मास्क बहुत ही अच्छा है। आप इस मास्क को हफ्ते में मंथ में 2 बार आप लगा सकते हो। और ये मास्क बहुत ही अच्छा है, इससे बाल आपके हेल्दी भी रहेंगे। आपका बाल अगर बहुत थिन है तो वो थोड़ा मोटा हो जाएगा और बालों की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए मुझे क्या चाहिए। मैंने ये कोकोनट मिल्क लिया है और कोकोनट मिल्क के छोटे छोटे जो कोकोनट के टुकड़े होते हैं वो काट के और मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। और उसी के साथ ही मैंने एक प्याज लिया था, उसको भी छोटा छोटा क्यूब करके और उसको भी इसके साथ ही पीस दिया। तो मुझे इसका थोड़ा उपयोग करना था, लेकिन मुझसे ये गलती हो गई इस बार कि मैं ये अलग अलग नहीं पीस पाई। वैसे मैं हमेशा अलग ही अलग पीसती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है और आपको अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको लेना है। तो मैं इसको अपने बालों के हिसाब से मैं ले लूँगी, सिर्फ इतना ही ले रही हूँ मैं, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है। और मैं इसमें इसके साथ मिला लूँगी कर्ड। कर्ड भी अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा सा गाढ़ापन देना है इसलिए इसको मिला रही हूँ मैं। लेकिन इससे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं। अगर आपके बाल में डैंड्रफ है तो वो नहीं होगा। और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, डल रहते हैं, एकदम मैनेजेबल नहीं रहते हैं, तो वो भी इससे बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो ये मास्क तो आपको लगाना ही चाहिए। और ये थोड़ा सा मैसी हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा थिन रहेगा, इसलिए बस आपको थोड़ी, मैं तो जब भी कोई मास्क बनाती हूँ तो पहले मैं खुद भी यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाती हूँ। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरे बालों पे अगर अच्छा रहेगा तो वर्क करेगा, तो ही मैं आपके बालों के लिए मैं इसको दिखाऊँ। हर कोई भी चीज़, चाहे एयर मास्क हो, चाहे फेस पैक हो, या बॉडी में कोई से किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मैं हर चीज़ अपने पर इस्तेमाल करके ही आपको मैं यूज़ करने के लिए कहती हूँ। ये अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको। और उसके बाद मैं ये कपूर है, ये मैंने कपूर मंगा लिया था, मैंने एक साथ ही मंगा लेती हूँ। ये 10 रुपीस का मंगाया था मैंने, 10 आए थे, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने इसके बस 2 पीस ले लूँगी, छोटे छोटे जो होते हैं ना कपूर, आप लोग सभी जानते हो कपूर क्या होता है, जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हो वो। क्योंकि इससे बालों का वो अच्छा भी होता है, मोटापन आता है, इससे मजबूती आती है इससे, इसलिए मैं इसको पीस के 2 इसका पीस डाल दूंगी, 2 क्यूब। तो मैं पीस के रखी हूँ तो मैं वो ही डाल रही हूँ अब। और इसको मिक्स बहुत अच्छे से करना है गाइस। और आपको ये बहुत ही अच्छा, आप इस पैक को जरूर लगाइएगा और मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कि आपको ये पैक कैसा लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा पैक होता है। मैं जब भी किसी कोई भी पैक लगाती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती हूँ, सिर्फ 1-2 चीज़ें ही डालती हूँ। और उसमें अनियन का ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे ऑयल के साथ भी मैं अनियन का यूज़ करती हूँ, और अगर कोई एयर मास्क लगाती हूँ तो मैं उसके साथ भी अनियन का यूज़ करती हूँ। क्योंकि मेरे बाल बहुत थिन हैं इसलिए मुझे अनियन अच्छा लगता है और मेरे बाल टूटते भी नहीं हैं, उससे अच्छे रहते हैं मेरे बाल। तो देखिए मैं ऐसे इसको पीस लिया है कि बहुत जल्दी पिस जाता है, आप भी पीस पाएंगे इसको। मैं डाल लेती हूँ इसको। तो आपको पहले बालों को वॉश कर लेना है शैम्पू के साथ, उसके बाद आपको अच्छे से बालों पर ये लगाना है, सारे बालों पे लगाना है। और बहुत ही अच्छे से इसको जब आप लगाते जाएंगे तो आप ऐसे ऐसे मसाज भी करते जाइए और पूरे स्कैल्प से लेकर रूट से लेकर लेंथ तक आपको पूरे बालों में लगाना है इसको आपको। चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब मैंने बालों को भी अच्छे से कॉम कर लिया है कॉम के साथ, अब मैं इसको लगाऊंगी।
तरह से लगाती जाऊंगी मैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये गिरे ना, इसलिए मैं आराम से ही लगा रही हूँ। बालों को आप ज़रूर वॉश करके ही लगाएं। अगर आप बाहर नहीं गए हैं और आपने 2 दिन हो चुके हैं तो आप लगा सकते हो, अगर धूल मिट्टी नहीं हुई है। वैसे तो मेरे 2 दिन के बाद ही मैं लगा रही हूँ, और फिर भी मैंने वॉश कर लिया था बालों को, क्योंकि मैं सोची कि ज़्यादा हेयर पता नहीं गंदा तो नहीं है, इसलिए मैं वॉश करके ही लगाई हूँ। और इसको आपको 2 घंटे के लिए आपको रखना है बालों पर। इसी तरह से आपको इस तरह से पूरे स्कल्प जब लग जाएगा तो आपको अच्छे से मसाज करनी है, हल्के हाथों से करनी है। बाल आपका एक भी नहीं टूटना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि जोर से नहीं करनी है आपके बालों को। आपका आपकी ही चीज़ है, आपकी बॉडी का ही पार्ट होता है ये, तो अच्छे से आपको इसके साथ रहना है। यूज़ भी अच्छे से ही करिए, इसलिए हर चीज़ इस तरह। देखिए मैं इसको ऐसे लगा ले रही हूँ, फिर मिक्स कर लूँगी। आप लोग मुझे कमेंट जरूर किया करिए कि मेरा जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ, बता रही हूँ आपको कोई भी चीज़, तो वो आपको कैसा लग रहा है, और आप यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी मेरे साथ शेयर करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। नीचे एक पहले कोई कपड़ा बिछा लीजिए, पुराना सा कोई डार्क कलर का हो, तो आप इसको आराम से लगा सकते हो। देखिए मैं हर चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये मैश होगा, ये गिरेगा, इस तरह से आपको लगाना है। पुराने कपड़े डाल लीजिए आप जब आप लगाएंगे तो, क्योंकि कपड़े गंदे तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ इसमें थोड़े उसका जो जूस वगैरह होता है वो गिर जाता है, तो बदबू भी आती है ना, स्मेलिंग हो जाती है ज़्यादा, इसलिए। चलिए मैं पहले लगा लेती हूँ पूरा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा लिया है और मैंने एक क्लेजर के साथ टक भी कर लिया है इसको अच्छे से, मैं अच्छे से मसाज करके। और अब मैं बॉयल पानी लूँगी और उसमें एक टी शर्ट को इसमें भिगा के अपने बालों को हेयर स्पा कर दूँगी। अब जब भी कोई मास्क वगैरह लगाइए तो आप ज़रूर हेयर स्पा लीजिए, क्योंकि कोई भी मास्क लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों का ब्लड सर्कुलेशन, सर का जो होता है वो बहुत अच्छे से चालू हो जाता है, जिससे आपके बाल और ज़्यादा अच्छे हेल्दी और मजबूत हो जाते हैं। तो मैं इसको ले रही हूँ। कोई पुराना टी शर्ट आप ले लीजिए और इसको इसके साथ ऐसे कवर कर लीजिए। इस तरह से आपको लगा लेना है। बहुत अच्छा होता है, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपको थोड़ा भी सर में थोड़ा हेडेक होता है हल्का फुल्का सा, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, रिलैक्स फील होगा और अच्छा भी लगेगा आपको। दो मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट बाद आप फिर इसको निकाल दीजिए। 10 मिनट्स बाद निकाल दीजिए आपको। आप ये फिर से इसको छोड़ के फिर लगा लीजिए।
फ्रेंड्स मैं अब दो घंटे बाद मैं वॉश कर लूँगी, जो भी मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ मैं उसके साथ वॉश कर लूँगी। आप भी उसके साथ वॉश कर लीजिए, जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं, और कंडीशनर कर लीजिए। और उसके बाद जब आपके हल्के हल्के ड्राई हो जाएं तो आप सीरम जल लगाना ज़रूर भूलिएगा नहीं, और सीरम आपको ज़रूर लगाना है। तो मैं आपसे धुलने के बाद मिलती हूँ, दिखाती हूँ कि मेरे बालों का टेक्सचर क्या है। चलिए फ्रेंड्स मैं भी मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए गाइज मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है शैम्पू के साथ, और देख लीजिए अब मेरे शाइनिंग देखिए मेरे बालों में कितना अच्छा हो, और एक भी बाल नहीं टूट रहा है मेरा, एक भी बाल नहीं टूटा है मेरा। बस यही दिखाना था मुझे, मैंने भी दो घंटे बाद ही वॉश किया है। जैसे ऑयल रखते हैं उसी तरह से आप रख सकते हो, और आप इसको रख के वॉश कर लीजिए। और मैं अपने बालों में सीरम भी लगा चुकी हूँ, अप्लाई कर चुकी हूँ, बहुत ही मैनेजेबल बाल हो जाते हैं इससे, और मजबूती भी बहुत हो जाते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा भी लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स को और अपने फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर जो नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिएगा, क्योंकि उसमें जब आप वो हिट करेंगे तो मेरा जो नया वीडियो होगा वो आपके पास, नोटिफिकेशन बेल आपके पास पहुंच जाएगी। बाय।